कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए साउंड नॉलेज को और करे अपने म्यूजिक कॉम्पोजिशन का सपना साकार डाउनलोड दी ऐप नाउ नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल आज का जो चैप्टर है अच्छा चैप्टर है मतलब आप लोगों को काम में लगेगा जो लोग रिकॉर्डिंग करते हो डेली का डेली रिकॉर्डिंग करते हो मीडिया के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम एक्चुअली बोल रहे हैं बेसिकली एनालॉग के बारे में बोल रहे हैं जैसे घर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो कंडेंसर माइक है अच्छा साउंड कार्ड है अच्छा डॉ है कंप्यूटर भी बहुत अच्छा है मगर रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है मतलब जब आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे, रहे हो बहुत सारा सांस रह जाते हैं मतलब ब्रेद ब्रेद हो जाता बहुत सारा ब्रेद हम लोग काट नहीं सकते हाँ हम काट हम लोग काट सकते हैं मगर ब्रेद ये ये जगह पर हम देख रहे हैं जैसे कि ब्रेद है ये जगह पर इस जगह पर हम काट सकते हैं मगर इसको इसको काट के कोई फ़ायदा नहीं है इसका इसका अंदर भी ब्रेद है इसका अंदर तो है ही जब इसका अंदर है इसका अंदर भी ब्रेद है तो ये तो बाहर से हम लोग देख रहे हैं ये ब्रीदिंग है तो ये ब्रेद को हटाने के लिए जैसे कि अगर हम लोग सुने Uh, कोई गाना तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं व्रेत कैसे लग रहा है आहा, 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 आहा। इस जगह पर देखते हैं द्वारा जे में हम लोग इधर से देख मतलब देखे, देखे, देखने से समझ में आ जा रहा है ये जगह देखिए छोटा छोटा हल्का 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 ब्रेथ है तो इसको हम लोग कैसे रिमूव करें एक बात है और दूसरा पॉइंट जो होता है कुछ ऐसा टाइप का नॉइज आ जाता है जैसे कि जब हम लोग बहुत जोर से कुछ पो फो भो, ऐसा बोलते हैं ना तो एयर ज्यादा निकलता है मुंह से ज्यादा एयर निकलता है तो वो डायरेक्टली माइक्रोफोन का जो सेंसर है उसमें हीट करता है तो ढीक करके आवाज़ हो जाता है तो उसको भी ठीक करने का प्रोसेस हम बोलेंगे पहले ब्रेथ का हम लोग ठीक कर लेते हैं तो ब्रेथ कितना है तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कितना है तो इसके लिए हम लोग एक आ, ये लगाएंगे आ, जस्ट प्लागिन लगाएंगे उसको डी ब्रेथ बोलते हैं तो डी ब्रेथ एक वेब्स का प्लागिन है आप लोग लगा सकते हो बहुत सारा और भी थर्ड पार्टी प्लागिन होता है डी ब्रेथ का मगर वेब्स का अच्छा है तो इसमें दो ऑप्शन है दो ऑप्शन नहीं है बहुत सारा ऑप्शन है तो इसमें ये राइट साइड का जो पोर्शन है ना इसमें ही हम लोगों को काम करना पड़ेगा दूसरे जगह पर काम नहीं करना पड़ेगा इसमें एक वॉइस है और एक ब्रेथ है ठीक है वॉयस और ब्रेथ ब्रेथ को अगर हम लोग सिलेक्शन करें तो कितना ब्रेथ ये पर्टिकुलर जो सिग्नल है पर्टिकुलर जो एनालॉग हम लोग दिया है मतलब इंपोर्ट किया है तो एनालॉग के अंदर पर्टिकुलरली ब्रेथ हो आइडेंटिफाई करके बोल देगा जैसे कि इसके अंदर ऐसा, ऐसा ऐसा ब्रेथ है और ये जो ऑन ऑफ का ऑप्शन जो है रूम टोन्स रूम टोन्स मतलब होता है क्या आ, बहुत सारे लोगों का घर पे छोटा सा एक बूथ बना के रख दिया है तो उसमें वोकल रिकॉर्ड करते हैं उसका हिसाब से एक आ, रूम टोन होता है अगर बड़ा जगह होगा तो रूम टोन दूसरा चेंज हो जाएगा तो हल्का सा चेंज भी होता है और ये डिपेंड करता है सभी का क्योंकि हम बहुत सारा ट्यूटोरियल में बोला है ऑलरेडी बोल चुका है एवरी पर्सन अलग 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 लोगों का अलग अलग टाइप का वोकल का फ्रीक्वेंसी होता है तो जब हम लोग इसको चलाएंगे जब हम लोग इसको ब्रेद में रखेंगे तो ओनली ब्रेद को दिखाएगा जब हम लोग इसको वॉइस को करेंगे तो वॉइस को दिखाएगा वॉइस को दिखाएगा मतलब ब्रेथ को रिमूव करके दिखाएगा तो पहले ब्रेथ को लगाते हैं ब्रेथ को लगा के देखते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कितना ब्रेद है इसके अंदर आइडेंटिफाई कर देगा जैसे कि कौन सा देखिए वो जगह पर ब्रेद है ये जो व्हाइट कलर का जो जगह है इसमें ब्रेद है ये भी ब्रेद है थोड़ा सा हम जो जोर से कर देते हैं इसका जैसे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा हाँ ये ब्रेथ हो गया ठीक है तो पर्टिकुलर हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम लोग इसको चलाएंगे तो इसको ब्रेथ को चलाएंगे और रिडक्शन रिडक्शन का क्या है रिडक्शन हम लोग कितना करेंगे उसका है रिडक्शन का स्लाइडर ठीक है कितना हम लोग करेंगे पूरा ऊपर उठा देंगे तो पूरा वॉइस ही चला जाएगा ऐसा नहीं है ब्रेथ कितना ज़्यादा करना चाहिए वो पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे और फेड इन फेड आउट का ऑप्शन जो है फाइव मिली सेकेंड फेड इन फाइव मिली सेकेंड फेड आउट तो ये फेड इन इसको टेल बोलता है जैसे कि फेड इन फेड आउट का हम थोड़ा सा एक बोलते हैं जैसे कि एक वर्ड है आ, कुछ एक वर्ड बोला है जोखोन नीर बेदुरे ऐसा कुछ बोला है तो अगर इसके अंदर ब्रेद है ठीक है तो ब्रेद का जो वो रिमूव करेगा तो फेड इन और फेड आउट करके रिमूव करेगा ठीक है मतलब हम लोग क्या करते हैं फेड इन फेड आउट ऐसा टाइप का होता है ऐसा ऐसा फेड इन होता है और ऐसा फेड आउट होता है तो इसके अंदर अगर रहेगा तो स्मूथली आउट होगा स्मूथली मतलब इन होगा और स्मूथली आउट हो जाएगा ठीक है तो इसका हिसाब से हम लोग जाएंगे तो अभी हम लोग वॉइस को लगाएंगे तो वॉइस को लगाने से क्या होगा जो जो जगह पर ब्रेड है ऑलरेडी वो जगह रिमूव हो जाएगा इस जगह पर इधर से देते हैं देखिए ब्रेथ समझ में नहीं आ रहा है ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दे रहा है कोई ब्रेथ नहीं है जो पा रहा तो ये जगह ब्रेथ रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली हो जा रहा है अगर हम हम लोग इसको दे देंगे दूसरा एक पॉइंट होता है दूसरा एक पॉइंट हम हम इसको म्यूट कर देते हैं जैसे कि ढिक ढिक करके चला आता है तो हम लोग थोड़ा सा ना मेज़रमेंट करके देखेंगे ढिक अगर मुँह से करेंगे तो इसका मतलब किस टाइप का वेव होता है तो वो वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं देखिए हम हम बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं करते करते ढिक हेलो हेलो चेक चेक कुछ आ, मतलब ए भी देते हैं एयर भी दे देते हैं ठीक है, है? ज़्यादा हो जा रहा है ठिक ढिक ढिक टिक, टिक, ऐसा टाइप का हो रहा है मतलब हम मुंह से कर रहे हैं गाना गाने गाने का टाइम पर इस टाइप का होता है तो अभी देखिए इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे रिमूव करेंगे कैसे ये बहुत ही देख देख के करना पड़ेगा जैसे कि ये तो नॉइज़ होगी ये तो मिडिल में है इसको थोड़ा डबल क्लिक करना पड़ेगा अभी इसको हम लोग जूम बड़ा करेंगे मतलब ये छोटा सा जगह पर क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा अभी इसको हम लोग जितना हो सके हम लोग जूम करेंगे तो देखिए जो नेचर ऑफ साउंड एडिट वेडियो ना एडि, एडिट वर नेचर ऑफ साउंड जो होता है ना स्मूथ कार्व और नॉर्मल सा एक डिस्टोटेड कार्व जैसे कि स्मूथ कार बोल, बोलने से हम लोग देखते हैं जैसे कि साइनवेव जो होता है ये स्मूथ कार्व होता है ठीक है और अगर इस टाइप का कार्व होगा तो आप लोगों को लगेगा क्या ये कार्ब ठीक नहीं है पर्टिकुलरली ये इस जगह पर ठीक नहीं है अगर कोई ठीक करके नोए नॉइज़ आ गया है नहीं तो इस आ गया है ज़्यादा ये जगह पर कार्ब ऐसा हो गया है तो इधर हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि जब हम कर रहे हैं मुँह से बात कर रहा था तो इस टाइम में देखिए ये पर्टिकुलर कुछ जगह आप लोगों को लगेगा ये जगह ठीक नहीं देखिए ये ये जो वेव ये जो छोटा सा जगह है ना ये जगह ठीक नहीं है ये जगह ठीक नहीं और भी और भी हम दिखा देते हैं और भी हम दिखा देते हैं जैसे कि ये हम लोग किए हैं ये वाला देखिए ये भी ठीक नहीं है देखने से पता लग रहा है ठीक नहीं है तो ये छोटा सा जगह कैसे हम लोग रिमूव करेंगे तो रिमूव करने का एक टेक्निक है रिमूव करने का टेक्निक मतलब क्या है ये अगर हम लोगों का वेव कार्व है ये जगह पर है ये मिड जीरो डीबी है इसमें प्लस जा रहा है इसमें माइनस जा रहा है इसमें प्लस जा रहा है इसमें तो माइनस जा रहा है ठीक है तो जो ज़ीरो क्रॉसिंग होता है वो जीरो क्रॉसिंग से ही आप लोगों को हटाना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा जीरो क्रॉसिंग से अगर नहीं हटाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा वो रह जाएगा तो ज़ीरो क्रॉसिंग इधर आप लोग पेंसिल से इसको नॉर्मल कर दो नॉर्मलाइज कर दो नॉर्मल कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका कोई ये नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और नहीं तो आप लोग ऐसा जगह पर काटो जो जगह पर कोई ऑडियो है नहीं मतलब उसका आने का चांसेस ही कुछ है नहीं तो वो जगह आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा जैसे कि हमको जो लग रहा है ये मतलब ज़्यादा जूम करने से मिलता है इधर इस इस जगह से आप लोग एडिट कर सकते हो ठीक है और दूसरा जो जगह है जूम करके काटने का जो जगह है ये जगह है इसको ये जगह नॉर्मली इसको जूम करो जितना हो सके जूम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका ये जगह पर जाओ जो जगह पर है ये इसको थोड़ा सा हम लोग काट देंगे तो क्या करेंगे इसको इधर इधर काटेंगे पेंसिल आ, पेंसिल आ, हम बोल रहे हैं बेसिकली ये नहीं है इधर से नहीं है इधर से ही करना पड़ेगा नहीं तो हम लोग काट नहीं पाएंगे हाँ ये जगह जो है ना ये जगह काटना पड़ेगा मतलब ये जगह अगर हम लोग काटे तो क्या होगा इसका ढीक करके एक आवाज़ आ जाएगा साउंड आ जाएगा तो इसीलिए ये जगह नहीं ये जगह जीरो क्रॉसिंग में काटना पड़ेगा जब काटोगे तो ये ये वाला बटन को ऑन करके काटना क्योंकि वो जीरो क्रॉसिंग ही चूज़ करके कर देगा देखिए मिडिल में नहीं हो पा रहा है आपको ज़ीरो क्रॉसिंग ही दे रहा है दूसरा जगह पर नहीं दे रहा है ये भी जीरो क्रॉसिंग है ये भी जीरो क्रॉसिंग ही है ये भी जीरो क्रॉसिंग ही है तो कोई भी जगह काटो इधर काटो और इधर काटो इसको मिडिल का हटा दो लगेगा नहीं और नहीं तो आ, सिलेक्ट करके आप लोग ये भी कर सकते हो जैसे कि सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर सकते हो साइलेंस कर सकते हो इसमें भी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अभी जो जगह पर ज़्यादा आ गया है वोकल ये ज़्यादा आ गया है इसको डबल क्लिक करके आपको करना पड़ेगा जो जगह पर देखिए हम जूम आउट कर रहे हैं ये जगह पर ज़्यादा हो गया है तो इसको ये पर्टिकुलर जगह पेंसिल से काटना पड़ेगा जैसे कि आपको ड्रॉ कर देना पड़ेगा ये वाला ड्रॉ कर दो ये वाला ऐसा ऐसा करके ड्रॉ कर दो तो क्या होगा ज़्यादा जितना ज़्यादा आया है वो मतलब चला जाएगा वो जगह मगर ये थोड़ा सा पेशेंसली करना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा ठीक से नहीं काम करेगा ये ऐसा 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 करके, ऐसा करके ऐसा ऐसा करके कर दो तो ये करके आप लोग ठीक कर सकते हो आप लोगों का जो मेनली जो प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो मतलब ब्रीदिंग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मगर ब्रीदिंग थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ब्रीदिंग नहीं होने से क्या होगा नेचुरलिटी ठीक से ठीक से नेचुरल नहीं ने लगेगा तो इसके हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा वृद्ध वृद्ध होना चाहिए मगर इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए जैसे कि गाना को ख़राब कर दे। तो यही था आज का ट्यूटोरियल थैंक यू दोस्तों जो हमारा चैनल में नया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ये भी हमारा रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिया है हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करो उसको इंस्टॉल करके हम थर्टी थर्टी जून मतलब तीस तारीख़ को हम ऑनलाइन बैठेंगे सभी का साथ जो लोग अभी तक सॉफ्टवेयर को लिए हैं अभी तक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में तो सभी का साथ हम बैठेंगे बैठ के थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेंगे थ्रू चैटिंग मतलब हम सभी का मशीन देख पाएंगे अगर ऑनलाइन रहोगे तो उसका हिसाब से कोशिश करेंगे आप लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्व करने का क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा नोट डाउन करके रखिए थर्टी हम जिसके पास नॉर्मली जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं वो लोगों का पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन चला गया है थैंक यू दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जितना हो सके आप लोग थोड़ा शेयर करो और लाइक तो एक बनता है अगर अच्छा लगे तो थैंक यू